नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। सरदारपुर तहसील में चोरों के हौसले बुलंद, आए दिन दे रहे हैं बड़ी वारदातों को अंजाम और आम जनता को बना रहे हैं अपनी गोलियों का निशाना। सरदारपुर तहसील की आम जनता चोरों के आतंक से परेशान। राजगढ़ नगर स्थित संजय कॉलोनी से कुछ दूरी पर जंगल में बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने भेड़ चराने वाले चरवाहों पर हमला कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम देते हुए 200 से अधिक भेड़ ले गए। वहीं चरवाहों द्वारा चोरों का पीछा किया गया तो चोरों द्वारा बंदूक से फायरिंग की गई, जिसमें 5 घायल हुए। वहीं घायलों का उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर लाया गया, जहां से उन्हें उपचार के पश्चात धारभोज हॉस्पिटल रेफर किया गया और वहीं से इंदौर रेफर किया, जहां घायलों का उपचार जारी है। घायलों में एक 15 वर्षीय बालिका भी घायल हुई। घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस थाने पर पहुंचे फरियादी भग्गाजी पिता संगड़ाजी निवासी पाली राजस्थान ने बताया कि राजगढ़ के संजय कॉलोनी के समीप 400 से अधिक भेड़ लेकर डेरा बनाकर ठहरे हुए थे। कल रात्रि लगभग 10 बजे के बाद हम सभी खाना खाकर बैठे थे, तभी अचानक बड़ी संख्या में धारदार हथियार एवं बंदूक लेकर बदमाश आए एवं हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। बदमाश 25 से 30 की संख्या में थे, कुछ हमारे साथ मारपीट कर रहे थे तो कुछ हमारी भेड़ ले जा रहे थे। जब हमने उनका पीछा किया तो बदमाश ने फायरिंग भी की। इस दौरान बदमाशों ने मेरे पैर पर बड़े बड़े पत्थर मारे, जिससे मेरे पैर में चोट लगी। रात्रि में ही सरदारपुर थाना पहुंचा एवं पुलिस को सूचना दी। फिर हम पुलिस के साथ भोपापुर के आगे घाट तक पहुंचे, लेकिन हमारे भेड़ नहीं मिले। बदमाश हमारे 200 से अधिक भेड़ लूट ले गए। इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे देवासी समाज के लोग यहाँ भेड़ चराते हैं और यहाँ पर इनकी भेड़ चुरा कर ले गई। 6 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ और इससे पूर्व भी 10 बार जानलेवा हमला हुआ, आज तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर थाने में FIR दर्ज करने आए तो थाने वाले सही तरीके से जवाब नहीं दिया इन्होंने और FIR दर्ज नहीं की गई। इसलिए हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आज धरना दिया तो यहाँ पर SP साहब से फोन पर बात होती है तो बोलते हैं या तो यहाँ से हट जाओ वरना हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। क्या ये लोकतंत्र है? क्या प्रशासन जन सेवकों के लिए बना हुआ है और बोल रहे उल्टा हमारे ऊपर मुकदमे कर देंगे? और अभी मेरी बात हुई इनसे पुलिस अधिकारियों से तो इन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, अगर कानून चाहता है तो सब कुछ कर सकता है। तो हम यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय के पास गए, वो स्वयं यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ के थाना अधिकारी को हटा दिया गया है तो, और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। 8 से 10 दिन का समय दिया है। 5 मेंबर प्रशासन के साथ रहेंगे और भेड़े को ढूंढेंगे, उन आरोपियों को सजा दिलवाएंगे। 11:30 बजे संजय नगर के पीछे जंगल के एरिया से कुछ बदमाश भेड़े ले गए थे और इसकी सर्चिंग तत्काल सूचना थाना प्रभारी सरदारपुर को मिली थी। सूचना पर सब डिवीजन का पूरा बल उनकी सर्चिंग किया और बदमाशों ने इनके साथ मारपीट के लिए उनका इलाज करा दिया है। रिपोर्ट लिखी गई है। चूंकि कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं और इनको सभी को जानकारी प्रॉपर नहीं थी, इस संबंध में उनको बता दिया कि आपकी घटना के संबंध में अपराध क्रमांक दर्ज किया गया है और पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। आज भी जिला पुलिस मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक उन्होंने अपडेट बंद किया है, उसके तहत जो है संदिग्ध स्थानों पर दर्ज की जा रही है। और इस बात से वो समझ गए, विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी उनको ब्रीफ किया है और विधिवत उनके पक्ष में कार्रवाई की जा रही है और घूमे हुए भेड़ों के लिए पता नहीं सीख पूरे प्रयास किए। पता दिया है कि आप लोग जहाँ भी रुकते हैं वहाँ थाने में सूचना करें और ऐसी जगह अपनी भेड़ों को रुकवाएं जहाँ जंगल ना हो और जहाँ मानव बस्ती हो, तो उसके तहत जो है रुकने से हम लोग आपको सुरक्षा को मुहैया कराएंगे। जो भेड़ चोरी गई हैं उनके संबंध में उनको आक्रोश था, हमारी भेड़े चली गई हैं उसके लिए पता रसी अब सभी को नहीं जाना जानकारी थी, उनको ब्रीफ कर दिया कि भाई ये जो कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई और की जा रही है। सर लगातार चोरी की वारदातें क्यों बढ़ती जा रही है? चोरी की वारदातें बढ़ने के पीछे ऐसा कोई कारण नहीं है, साथ के प्रमुख कारण से बदमाश है, जब भी उनको ऐसा मौका मिलता वारदातें करते हैं। सर राजगढ़ से बोल रहे ट्रैक्टर चोरी हो, ये NK कंसोर्टियम सुधार। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।